महिषासुर की तपस्या से इंद्र अत्यंत क्षुब्ध होता है और महिषासुर की तपस्या भंग करने का प्रयास करता है, किंतु असफल रहता है। उसके आदेश पर पवन देव और वरुण देव भी अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किंतु वे भी महिषासुर की तपस्या भंग नहीं कर पाते। देवर्षि नारद इंद्र तथा देवगण को प्रताड़ित करते हैं और त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए महिषासुर के समान कठोर तपस्या करने का परामर्श देते हैं। उधर ब्रह्मा जी महिषासुर को इच्छित वरदान देते हैं कि वो किसी भी देव, दानव अथवा मानव द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, केवल स्त्री ही उसका वध कर पाएगी। वो इच्छा अनुसार रूप धारण कर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित असुर सेना भी प्रकट कर सकता है। महिषासुर अट्टहास करता है, जिसकी प्रतिध्वनि स्वर्ग में भी सुनाई देती है। तत्पश्चात वो दैत्य सिंहासन पर बैठकर घोषणा करता है कि वो पृथ्वी पाताल पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग लोक पर भी अधिकार प्राप्त करेगा और फिर पृथ्वी लोक पर महिषासुर द्वारा घोर अत्याचार प्रारंभ होता है। पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त कर महिषासुर राजसभा में प्रवेश करता है। महिषासुर की जय! पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय! पाताल विजयी महिषासुर की जय! मेरे दानव वीरो और यक्ष मित्रो, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि समस्त पृथ्वी लोक और पाताल लोक हमारे साम्राज्य का अंग बन चुके हैं। पृथ्वी के समस्त राजाओं ने हमारी अधीनता स्वीकार कर हमें कर चुकाना आरंभ कर दिया है। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय! पाताल विजयी महिषासुर की जय! यज्ञकर्ता ऋषि मुनियों ने भी देवताओं को यज्ञ भाग से वंचित कर हमें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। समस्त दानव और मानव जाति ने हमें सम्राट का पद प्रदान किया है। अब हमारा लक्ष्य है स्वर्ग लोक, परंतु हम अपने पूर्वजों की तरह स्वर्ग लोक पर सीधा आक्रमण नहीं करेंगे। दानव और मानवों के समान हम देवताओं को भी अधीनता स्वीकार करने का एक अवसर देंगे। दानव यक्ष मित्रों, आज हमारी मित्रता और सहयोग का परिणाम हमारे सामने है। असुर सम्राट महिषासुर ने एक के पश्चात एक सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि आज तीनों लोकों में इन जैसा महाबली और योद्धा अन्य कोई नहीं है। अब हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करना है। हमें पूरा विश्वास है कि सदा की भांति स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करने में हम सफल होंगे। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय! पाताल विजयी महिषासुर की जय! अरे अपरिचित युवक, यह मार्ग स्वर्ग लोक की सभागृह की ओर जाता है। मानव और दानव स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। लौट जाओ यहाँ से। मैं दानवराज महिषासुर का दूत हूँ और देवराज इंद्र के लिए उनका एक संदेशा लेकर आया हूँ। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवगण। दानवराज महिषासुर देवताओं के शत्रु नहीं है। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए मैत्री का संदेश भेजा है। यदि आप मुझे देवराज से नहीं मिलने देना चाहते हैं, तो मैं लौट जाता हूँ और अपने स्वामी से कह दूंगा कि देवराज आपसे मिलना ही नहीं चाहते। किंतु ये सुनकर दानवराज महिषासुर क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। दानव दूत, अरे अरे, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तो किधर जाऊं? आप हमारे साथ आए अपना मैत्री संदेश देवराज को सुनाने के लिए। अर्थात आपकी सहमति और स्वीकृति है कि मैं देवराज इंद्र से मिलूं? ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप आए हमारे साथ। दानवदूत,
कह दो अपने स्वामी तुष्ट महिषासुर से कि देवता कभी दानवों से मित्रता नहीं करते। क्या कभी किसी युग में ऐसा हुआ है कि देवताओं ने दानवों से मित्रता की हो? तो ये आप कैसे संभव होगा? दानव मित्रता के योग्य है ही नहीं। देवराजेंद्र, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर शांतिपूर्वक विचार करें। रे दूत, तेरे स्वामी ने दुष्टता और धृष्टता की है तुझे यहां भेजकर, और उससे भी बड़ी धृष्टता तू कर रहा है हमें परामर्श देकर। तूने हमें परामर्श देने का दुस्साहस कैसे किया? देवराज, परामर्श देने के लिए दुस्साहस की नहीं सुबुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो? बुद्धिमान को बुद्धिमान तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है देवराज। क्या क्या कहा तूने? यदि हम तुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे तो हम बुद्धिहीन अर्थात निर्बुद्धि अर्थात मूढ़ हैं। हमारी सभा में खड़े होकर तू हमें मूर्ख कह रहा है। परिणाम जानता है इसका? अरे मैं भी तो आपको परिणाम जान लेने के लिए तो कह रहा हूँ, और निवेदन करता हूँ कि आप दानवराज के संदेश पर विचार करें। शत्रु के संदेश पर विचार करें? शत्रु होते हुए भी दानवराज महिषासुर आपके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे दानवराज के चाहने से हमारा ये स्वर्ग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? हो सकता है देवराज, हो सकता है, किंतु ना हो, इसलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्ग का सम्राट स्वीकार करें और स्वयं दास बनकर स्वर्ग में ही रहें। अरे वाचाल दूत, तेरे स्वामी को तुम्हें भेंट होने पर देखूंगा, किंतु तुझे मैं इसी समय देख लेता हूं। देवराज, देवराज, दूत अवध्य होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। दूत पर प्रहार करके आप स्वर्ग की गरिमा को खंडित ना करें देवराज। दानव दूत, क्या दानव राज महिषासुर ने इसके अतिरिक्त और कोई संदेश भेजा है? हाँ देवगुरु, देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि यदि देवता स्वर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा करके देवता युद्ध और पराजय से बच सकते हैं। ऐसा ना होने पर स्वर्ग पर आक्रमण और देवताओं का सर्वनाश अवश्य होगा। देवराज, दूत को मारकर अपयश के भागी ना बने देवराज। दानव दूत, अब तुम जाओ, दानवराज महिषासुर का संदेश हमें मिल गया है। जाओ और जाकर उनसे कहो कि देवराज इंद्र को ना ही उनकी मित्रता स्वीकृत है और ना ही उनकी अधीनता, अब वो जो करना चाहे स्वतंत्र है। देवगुरु, मैं आपका संदेश दानवराज को सुना दूंगा, मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। कल्याण। देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण निश्चित है, वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठेगा। देवगुरु, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो दानव है और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता घुली हुई होती है। वो जब किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी को प्राप्त करने की अनाधिकार चेष्टा करता है और यदि उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती तो वो उसे अपना अपमान ही समझता है और अपमानित होकर हिंसक और आक्रामक हो जाता है। यही स्थिति महिषासुर की भी होगी। आपने उसका अपमान नहीं किया, केवल उसकी अधीनता को अस्वीकृत किया है। यही अस्वीकृति उसके अहंकार को स्पर्श कर अपमान ही बन जाएगी देवराज। तो अब हम क्या करेंगे गुरु? आपको तुरंत देवताओं के शुभचिंतक ब्रह्मा विष्णु और महेश से सहायता की याचना करनी चाहिए।
देवगुरु, क्या हमारी याचना का कुछ परिणाम होगा? आप इतने निराश क्यों होते हैं देवराज? निराशा का कारण है देवगुरु, निराशा का कारण है हम उन ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए जाएं, जो उस महिषासुर को वरदान देकर उसे उद्दंड, दुष्ट और उन्मत्त बना चुके हैं। उस दानव को वरदान देने के पश्चात क्या वो हमारी सहायता करेंगे? शत्रु को वरदान की शक्ति से संपन्न कर देने वाले ब्रह्मा जी से हम सहायता की याचना कदापि नहीं करेंगे और वो हमारी सहायता करेंगे भी नहीं। आप इस सत्य को भूल रहे हैं देवराज, ब्रह्मा जी तो परम पिता है, वो देव दानव मानव सभी के पिता है, उनके लिए शत्रु अथवा मित्र कोई नहीं, सभी बालक समान है। पिता के पास जो कुछ भी है उसे प्राप्त करने का अधिकार सभी बालकों को होता है। इसी अधिकार को लेकर बालक आपस में झगड़ते रहते हैं, अन्यथा पिता की दृष्टि में सब संभव है। महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गया, उसे वरदान मिला। आप ब्रह्मा जी से सहायता मांगने जाएंगे, आपको सहायता मिलेगी। इससे पहले भी ब्रह्मा जी आपको अनेक बार कह चुके हैं कि कठोर तपस्या करने वाले असुरों को वरदान देना उनका कर्तव्य एवं दायित्व है। अब वो अपने कर्तव्य एवं दायित्व से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देवराज कि ब्रह्मा जी देवताओं के शुभचिंतक एवं सहायक अवश्य हैं। देवगुरु, आपने अभी अभी कहा कि उनके लिए सभी समान हैं, तो फिर वो हमारे ही शुभचिंतक क्यों? दानवों के भी शुभचिंतक हैं। देवराज, यदि आप अर्थ को तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समदृष्टि व संभाव रखते हुए भी ब्रह्मा जी केवल देवताओं के ही शुभचिंतक हैं, दानवों के नहीं। कारण के दानवों की दानव वृत्ति ही जगत में अनीति तथा अन्याय को बढ़ावा देती है और देवताओं की देव वृत्ति सदवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसीलिए ब्रह्मा जी केवल देवताओं के शुभचिंतक हैं। मेरा विचार है आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। समझ तो गया हूँ देवगुरु, किंतु आप अभी तक किंतु के किनारे पर ही खड़े हैं देवराज, आगे नहीं बढ़े। आप इस भावी सत्य को भली भांति समझ लें। यदि शीघ्र ही आप ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में नहीं गए तो महिषासुर देवताओं की शक्ति को छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार पाने में विलंब नहीं करेगा। आगे आप जो उचित समझे करें। स्वामी, देव गुरु का परामर्श हमारे हित में ही है। हाँ देवराज, देव गुरु जो कुछ भी कहेंगे हमारे हित में ही कहेंगे। स्वर्ग और देवताओं की सुरक्षा के लिए देव गुरु का परामर्श मान लेना अति आवश्यक लग रहा है देवराज। हमें सहायता के लिए त्रिदेव के पास जाना ही चाहिए। हाँ नारद, अब तो स्थिति ही ऐसी आ गई है कि घटनाएं शीघ्रता से घटित हो। चिक्षुर ने महिषासुर को देवराज इंद्र की अस्वीकृति का उत्तर सुना दिया है। महिषासुर ने तो स्वर्ग पर आक्रमण करने के पूर्व ही देवराज इंद्र के पास अपना दूत भेजा था। दानव प्राय ऐसा न करके सीधे आक्रमण कर देते हैं, फिर भी देवराज इंद्र ने कूटनीति से इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। यदि देवराज इंद्र ऐसा करते तो कुछ समय के लिए युद्ध टल सकता। किंतु परमपिता, अब तक का अकाट्य और कटु सत्य यही है कि वरदानी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात हर असुर और भी अधिक हिंसक और आक्रामक होता रहा है और युद्ध उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। असुर अपनी वृत्ति कैसे त्याग सकता है नारद, जो सुर में न हो और शांति व प्रेम का आलाप न ले सके, उसी को तो असुर कहते हैं। किंतु कल्याण हो, कल्याण के निमित्त ही तो हम आपकी शरण में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति ने भी यही परामर्श दिया है कि आपकी शरण में जाकर सहायता की याचना करें। तो देवराज, आप देवगुरु के परामर्श से आए हैं, हम पर अपना अधिकार व संबंध समझकर नहीं आए। देवगुरु न भी कहें तो क्या हम नैतिकता के आधार पर आपकी सहायता नहीं करेंगे? आपने अनेकों बार प्रताड़ित किया है, इसीलिए यहाँ आने का प्रताड़ित क्या कारण किया जाता है?
बड़े जब अपने से छोटों को प्रताड़ित करते हैं तो अवश्य ही उसका कोई कारण, कोई उद्देश्य होता होगा। जिस कारण से प्रताड़ित किया जाता है उसका लाभ तो छोटे लेते नहीं, वे समझ ही नहीं पाते कि ये कार्य भी उनके हित में ही हो रहा है। वे केवल मन में क्रोध भाव धारण करके बड़ों के प्रति उलाना लेकर बैठ जाते हैं। और आपने भी ऐसा ही किया है देवराजेंद्र। हाँ परमपिता, अब हुआ तो कुछ ऐसा ही है। जो हुआ है उसका ध्यान न करके जो करना है उसके ओर ध्यान देना अधिक हितकारी होगा। हम जानते हैं कि महिषासुर को असीम शक्ति का वरदान देने के कारण आप हमसे क्षुब्ध हैं और इस समय हमारी शरण में आना आपकी विवशता है। परंतु यह भी तो सत्य है कि देवताओं की सहायता करना हमारा पवित्र तथा नैतिक कर्तव्य है। और आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि महिषासुर को वरदान देने के कारण हम उसके विरुद्ध आपकी प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको भगवान विष्णु तथा शिव शंकर से भी अनुरोध करना होगा। आपका आदेश है तो अवश्य करेंगे हम उनसे अनुरोध। किंतु परमपिता, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं इसीलिए हम पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाने में आप हमारा नेतृत्व करें। हमारे नेतृत्व करने से यदि आपको यह विश्वास होता है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं तो हम अवश्य नेतृत्व करेंगे। महिषासुर देवताओं पर आक्रमण की तैयारियां करे इसके पहले देवताओं को अपनी रक्षा की तैयारियां कर लेनी होंगी। महाबली शंबरासुर की जय, दानव वीर शंबरासुर की जय, महाबली शंबरासुर की जय। आओ असुर वीर, आओ, तुम्हारा स्वागत है। हमारे एक ही आह्वान पर तुम हमारे पास चले आए, हम प्रसन्न और उपकृत हुए। आओ असुरवीर शंबरासुर, मैं तुम्हारा परिचय अपने सेनापति और योद्धाओं से कराता हूँ। आओ, ये है हमारे सेनापति असिलोमा, महान योद्धा और साहसी वीर। असिलोमा, आओ। ये है हमारे कुशल राजनीतिज्ञ वीर चिछुर। ये है हमारे महान योद्धा विडाल। आइए। और ये है हमारे योद्धा उदर। हम प्रसन्न हुए। आइए मित्र। बैठिए। दानव सम्राट महिषासुर, आपका उत्थान देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हुआ। आपने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का जो विचार किया है वो समाचार भी हमें मिल चुका है। आप तुरंत स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की तैयारी करें, हम सब आपके साथ हैं। देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लें और अपने पूर्वजों की भांति स्वर्ग लोक के सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। समस्त दानव जाति आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं असुरवीर। अब आप आ गए हैं तो आपकी प्रेरणा से हमारा कार्य सरल हो जाएगा। होना ही चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये है हमारी चमत्कारी गदा। इस गदा को हाथ में लेते ही आप असंख्य रूप में शत्रुओं के सामने प्रकट हो सकेंगे। अर्थात जब आप इस गदा को लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अपने शत्रुओं के सम्मुख एक नहीं अनेक महिषासुर प्रकट होंगे। फिर वो किस किस पे प्रहार करेगा और जिस पर वो प्रहार कर रहा है वो मूल रूप से महिषासुर होगा भी अथवा नहीं, भ्रमित हो जाएगा वो। असुरवीर, हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये गदा तुम्हें भूलने ही नहीं देगी। दानवराज, मेरा पूरा विश्वास है कि इस गदा के साथ आप अकेले ही समस्त शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। इस पर भी यदि मेरी आवश्यकता हुई
तो आपके केवल एक आह्वान पर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाऊंगा। फिर देखना कैसे देवगण भागे भागे फिरते हैं। ये लो हमारी चमत्कारी गदा। असुरवीर, आपकी अद्भुत भेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पधारे ब्रह्मदेव, वैकुंठ लोक में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे सहायता की याचना करने आए हैं श्री हरि विष्णु। दानवों का उत्पात पुनः आरंभ हो गया है श्री हरि। वो तो महिषासुर के प्रकट होते ही देव दानव युद्ध की संभावनाएं भी प्रकट हो गई थीं। ब्रह्मदेव के वरदान से ये परिणाम तो स्वाभाविक ही था। स्थिति जो भी है आपके सामने है। दानव फिर से उग्र होने लगे, इसलिए देवराज ने हमें आपके पास आने को विवश किया। इनकी सुरक्षा का उपाय सोचना ही होगा। श्री हरि, महिषासुर ने पृथ्वी लोक पर तो अपना एक क्षत्र राज स्थापित कर ही लिया है। यहां तक कि ऋषि मुनियों को भी अपने अधीन बनाकर हमारा यज्ञ भाग भी छीन चुका है। अब तो पृथ्वी लोक से देवताओं का वर्चस्व ही समाप्त हो गया है। देवराज, इस समय आपको पृथ्वी लोक की चिंता का त्याग कर स्वर्ग लोक की चिंता करनी चाहिए। हम उसी के निमित्त तो आपके समक्ष आए हैं श्री हरि। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है श्री हरि कि त्रिदेव मिलकर हमारी सहायता करें। त्रिदेव में से दो तो यहाँ है और देवताओं की सहायता के लिए प्रयत्नशील भी है। शेष रहते हैं भगवान शिव, तो उनके मार्गदर्शन और सहायता के बिना हमारा सुरक्षा अभियान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उन्हीं के पास चलना होगा। दानव वीरों, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके अभिमानी इंद्र और उसके साथी देवताओं को अपना दास बनाना है। हमारे वरदानी सिद्धि के बल पर आप सब हमारे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्वर्ग पर अधिकार करना है। स्वर्ग से देवताओं को बहिष्कृत करना है। जय दानवराज महिषासुर की जय। वरदानी दानव महिषासुर सेना सहित स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर चुका है, अर्थात अब संघर्ष आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। देवराज, 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 ये दानव तो अति भयंकर है।
उस महिषासुर के प्रहार से हम बाल बाल बच गए। उसकी शक्ति अपरिमित है। वो अपनी इच्छा मात्र से जितने चाहे उतने रूप बना सकता है। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब वो अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। हाँ देवराज, सुरक्षा का उपाय तो करना ही होगा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। देखें भोलेनाथ, देखें, वो दुष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आप त्रिदेव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकें। देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव है। भोलेनाथ, क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना, हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में बंध चुका है और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना हो। आप सत्य कह रहे हैं शिवशंकर। देवराज, महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। श्यामला पुत्र महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। यही ठहर जा दुष्ट महिषासुर। हट। देवताओं की शक्ति अभी तूने देखी नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो लौट जा, लौट जा पाताल लोक को। दैत्य शक्ति की आंधी के सामने तुम देवता तिनकों की तरह उड़ जाओगे। यदि शक्ति होती तो तुम्हारे शुभचिंतक ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आक्रमण को रोकने के प्रयास से मुंह न मोड़ते। कहां गए वो तीनों? तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार? अधिकार उसी का होता है जिसकी बाहों में बल होता है। व्यर्थ प्रलाप न कर, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा हमारे एक ही प्रहार से नष्ट हो जाएगा। इससे पहले भी तेरे अनेक महाशक्तिशाली पूर्व दैत्यों ने देवताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है महिषासुर, किंतु वो स्वयं नष्ट हो गए। अब तेरी बारी है, आक्रमण संघार। Ah!
स्वर्ग विजयी दानवराज महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय।